बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होमोजीनियस होती है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सॉल्यूशन में लिखने के बाद यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ई टू द पावर जेड में। तो फिर कभी जेड की वैल्यू लिखना हो तो लॉग लिख देंगे दोनों साइड, लॉग एक्स हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी और लॉग ई की वैल्यू वन होती है, तो इतना पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो होता है यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑपरेटर जो है कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डी जो है वो दे रखा है डी ओवर डी एक्स गिवन में, और हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं एक्स को जेड में ले जा रहे हैं तो हम रोटेशन चेंज करेंगे, यानी डी ओवर डी जेड को यहाँ पर या तो स्मॉल डी से लिखें जो कि हमारे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो हमें डी डैश नोटेशन का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से और प्रॉब्लम हम लोग होमोजीनियस की सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा, उसी तरीके से डी डैश माइनस वन ये ऑपरेटर हो जाएगा, यानी ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें जो वेरिएबल है वो हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स डी की जगह पर जो है वो ये हमारा सेकंड टर्म है, उसमें ओनली डी डैश आ जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो हम यूजली राइट हैंड साइड को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब अगर ई की पावर एक्स आपको दे रखा हो तो हम ई की पावर में अगर जेड की जगह पर ई की पावर जेड रख देंगे तो इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड में इसको चेंज नहीं करते हैं, एक्स की फार्म में ही इसको बना रहने देते हैं, लेकिन इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो हम ये इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारा ये वैल्यू इतने में आ जाती है, तो इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर वन डाल दें तो इक्वेशन नंबर वन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और यानी इसकी वैल्यू को लिख देंगे डी डैश माइनस वन और प्लस एक्स डी डी के वैल्यू डी डैश हो जाएगी, उसके बाद माइनस वन है, वाई लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में चेंज नहीं करेंगे एक्स को जेड में, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए अब इस ब्रैकेट को ओपन करके डी डैश का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखेंगे कि ये एक सिंपल सा वाई का कोफिशेंट डी का फंक्शन आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स यानी ये डी डैश स्क्वायर माइनस वन आ गया, वाई का कोफिशेंट एक्स स्क्वायर की पावर एक्स। ध्यान रहे कि हमारा ये जो डी डैश है डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो कि एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने एक्स को हटा के इसको जेड की फार्म में लिखा है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे इक्वेशन नंबर हमने टू डाल दिया है, इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन इसका जब एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर नज़र आ रहा है हमको डी, वहाँ पर एम पुट कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर ज़ीरो और एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एम की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा और इससे प्लस माइनस दो वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू यानी प्लस का वन और माइनस वन, ये अलग अलग वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एम की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी वन लिखेंगे ई टू द पावर, यहाँ पर जो है डी डैस आपको मालूम है जेड की फार्म में है, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए एम की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई जेड का होगा, प्लस का सी टू ई टू द पावर माइनस का वन जेड हो जाएगा। तो बाद में हम इसको एक्स की पावर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपको मालूम है ई की पावर जेड एक्स के इक्वल है,
ऐसे यहाँ पर हम इसको माइनस वन को बाहर लिख दें, यानी कि पावर जेड की पावर माइनस वन भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर ब्रैकेट के बाहर और अंदर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है और इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। तो हम इसको एक्स की फार में लिख देंगे, यानी ये वैल्यू एक्स के इक्वल थी, तो सी टू ये वैल्यू एक्स के इक्वल है होल पावर माइनस वन, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स की फार में हमें मिल गया है। अब पूरा फोकस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल पर होगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल भी हमें देखने को मिलेगा। तो वाई को कोफिशेंट जो होता है, जो डी का फंक्शन, उसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में देख रहे हैं कि है डी डैस स्क्वायर माइनस वन, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड की फार में है, क्योंकि डी डैस जेड की फार में है, और राइट हैंड साइड में लिखा था एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, यानी यहाँ पर एक्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो इसको लीनियर फैक्टर में बदल लेंगे। इसका रीज़न ये है कि हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो ये है, यानी जो डी डैस है माइनस एम, यहाँ पर हम इस फार्मूले को थोड़ा अपने इस क्वेश्चन की तरफ मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर एक्स का फंक्शन होगा, और ये डी डैस वही है जो हमारा क्वेश्चन में है। तो ये वैल्यू होती है एक्स टी थी पावर माइनस, जितना भी हो रहा है वो एक्स की पावर हो जाएगी। इंटीग्रेशन के साइन लगाने के बाद एक्स दोबारा से लिखेंगे, पावर ये भी, लेकिन नेगेटिव साइन, और इसमें एक माइनस और कर देंगे, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्यू से, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये जो है वो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन को डिनोट कर रहा है। तो अब इसी फार्मूले को जो हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही आ रही है यहाँ पर लीनियर फार्म में है, तो इसलिए हम इसके फैक्टर डी स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर करेंगे। वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वैल्यू बन जाएगी डी डैस प्लस वन और डी डैस माइनस वन, और राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर जो एक्स लिखा है वो एक्स के फार्म में ही रहने देंगे। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए दो अलग अलग फैक्टर का हम लोग यूज़ करेंगे, यानी एक फैक्टर को हम अलग साइड से लिख देंगे और दूसरा जो फैक्टर है यानी डी डैस माइनस वन उसको इस पर ऑपरेट कर देंगे। अब वन अपान ये डी डैस प्लस वन, और यहाँ पर जब ऑपरेट करने जा रहे हैं इस वैल्यू को, तो फिर देखते हैं कि हम एक्स लिखेंगे और उसकी पावर ये वाली जो वन है वो लिख देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद ठीक इसी वैल्यू को माइनस के साथ में लिख के माइनस वन और करना होता है इस फार्मूले का माइनस वन, और क्यू का मतलब ये हमारा जो भी वैल्यू है यहाँ पर इस पूरी वैल्यू ये क्यू होती है, यानी एक्स स्क्वायर डी टू द पावर एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो वन अपान डी डैस प्लस वन, एक्स की पावर वन है तो वन ही लिख देंगे, एक्स की पावर ये माइनस का टू और ये प्लस का टू है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है एक्स, और ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ये प्लस माइनस कैंसिल होके एक्स की पावर तो ज़ीरो हो जाएगी। जब एक्स की पावर यहाँ पर ज़ीरो हो गई तो फिर उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और वन का इंटू करेंगे तो ई की पावर सिर्फ एक्स बचा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स सॉल्व होके आ गया। अब इसी फार्मूले को हम दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डी डैस के बाद माइनस का, तो इससे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी माइनस को ब्रेकेट में कर लें, मन को ब्रेकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये पूरी वैल्यू जो होगी वो क्यू का काम करेगी। और फार्मूला जब अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रहे कि डी डैस जो है वो जेड का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन को डिनोट कर रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है इस पर, और इनके बीच में रिलेशन हमारा एक्स इजिकल टू ई टू द पावर जेड की फार्म में। तो फार्मूला हम दोबारा से इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्या होता है, एक्स लिखते हैं सबसे पहले, और उसमें पावर जो भी माइनस हो रही होती है, यानी माइनस का वन माइनस हो रही है, इसको लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके इसके साइन को चेंज कर दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस का वन हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस वन फार्मूले का हमारा ये आता ही है, और मल्टीप्लाई हो जाता है क्यू का, क्यू मतलब यू वी राइट हैंड साइड में ये एक्स ई टू द पावर एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये एक्स की पावर हम देख रहे हैं कि माइनस का वन जो कि इंटीग्रेशन के साइन से बाहर है, और ये एक्स की पावर
ज़ीरो हो जाएगी, यानी हमारे पास बचेगा एक्स ई टू दी पावर एक्स बचेगा, ये तो पावर ज़ीरो होगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यानी एक्स की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन, तो ये तो इनटू होके इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे कि अभी लिखा था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन या फिर दूसरे इसी तरीके के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आप देख के इसको समझ सकते हैं। एक्स ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर सिर्फ ई की पावर एक्स बचा है जिसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। आप चाहे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, जब ओपन करेंगे तो इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो प्लस वन पावर माइनस वन पावर ऐड होके एक्स की पावर ज़ीरो हो जाएगी जिसकी वैल्यू वन होती है, तो सिर्फ यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स ही बचेगा, और माइनस जब नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स की पावर माइनस वन का यहाँ पर इंटू कर रहे हैं तो एक्स की पावर माइनस वन और ई टू दी पावर एक्स आ गया। ये वैल्यू जो अभी आएगी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज़, जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड करके मिलेगा। हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुरू में देखिएगा फाइंड कर चुके थे सी वन एक्स प्लस का सी टू एक्स की पावर माइनस वन, और अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है हमारी, उसको लिख देते हैं ई की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर वन इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ये वैल्यू भी फाइंड की थी हम लोगों ने। तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावा ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।